एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम और श्याम अपनी बूढ़ी माई के साथ गांव में रहते थे। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा भाई था, लेकिन एक ही उनके घर में कष्ट थे कि उनका छोटा बेटा जिसका नाम श्याम था वह हमेशा बीमार रहता था। मानो राम और श्याम के घर से यह रोग जाती ही ना हो। जब भी उसका छोटा भाई ठीक होता तो उसे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती, जिससे कि वह हमेशा अस्वस्थ रहता था। माँ को इस बात का बहुत ही तकलीफ होता था कि क्या पता मेरा बेटा कभी ठीक होगा भी कि नहीं, क्या मैं कभी अपने दोनों बेटों को खुश और सुखी से देख पाऊंगी कि नहीं। यही चिंता में माँ दिन रात रहती थी। एक दिन राम को यह देखा ना गया कि उसकी माँ और उसका छोटा भाई इतना परेशान रहता है। वह मंदिर गया और पंडित जी से कहा, पंडित जी, हमारे घर में सभी तरह की सुख है। भगवान की दया से मैं काम भी करता हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन हमारे घर में एक ही तकलीफ है कि मेरा छोटा भाई श्याम हमेशा बीमार रहता है। मानो जैसे रोग और दुख हमारे घर से जा ही नहीं रहे हैं। पंडित जी ने सारा बात सुनकर श्याम से कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं, इस बात का भी कोई ना कोई निवारण जरूर निकल जाएगा और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, वह उपाय तुम जरूर करना। राम वहां से फिर घर आ गया और देखा उसकी माँ उसी चिंता में डूबी हुई है कि कब उसका छोटा बेटा ठीक होगा और दोनों बेटों को वह खुशी खुशी देख पाएगी। एक दिन जब राम बाजार की ओर जा रहा था, तभी पंडित जी ने कहा कि बेटा यहाँ आओ। राम वहाँ गया और कहा कि बोलिए पंडित जी। तब पंडित जी ने कहा कि तुम कुछ ही दिन पहले आए थे और अपने छोटे भाई के तकलीफ के बारे में जानना चाह रहे थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह आखिर क्या उपाय है जिससे कि तुम्हारे छोटे भाई का सारा रोग दूर हो जाएगा। कुछ ही समय के बाद नवरात्रि आने वाला है। कहा जाता है कि पहला पूजा में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री घर के सारे रोग दुख दरिद्रता को दूर कर देती है। अगर तुम मन से माता रानी को प्रश्न करोगे तो वह तुम्हारा पुकार जरूर सुनेगी। फिर क्या था, राम जैसे ही नवरात्रि आया, पहला पूजा माँ शैलपुत्री का था। बड़े ही धूमधाम से उसने मंदिर में जाके माता रानी का पूजा किया। माता रानी को चढ़ावा चढ़ाया, चुन्नी चढ़ाया और माता रानी की मन पसंद घी से बनी मिठाई चढ़ाई। फिर क्या था, देखते ही देखते उसके छोटे भाई के स्वास्थ्य में अचानक से परिवर्तन आ गया। उसका छोटा भाई फिर से पहले के जैसा चलने फिरने लगा और काम काज में अपने बड़े भाई का सहयोग करने लगा। माँ जब यह सारी चमत्कार देखी तो उसने राम से पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तब राम ने सारे बातें माँ को बताई और माँ समझ गई कि इस दुनिया में चमत्कार जरूर होता है। शैलपुत्री माँ का पूजा करने से घर के सारे रोग दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इस तरह से माँ माता रानी के चरणों में जा गिरी और माता रानी को कोटि कोटि नमन की और पूरे गांव में शहर में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया कि शैलपुत्री माँ का पूजा अर्चना करने से घर के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, माता का कथा यही था। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।